हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे व्युत्क्रम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अगर आपने इससे पहले घातांक वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर उसे देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगी। हम बात करेंगे घातांक कैसे ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर आपको संख्या अगर दो दिया है, मान लीजिए दो दिया है, एक ऐसी इस तरह समझ लीजिए, अगर दो दिया है और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो आपको बस क्या करना है, 1/2 उसे नीचे कर देना। अगर 2/2 दिया और इसका व्युत्क्रम पूछेगा, मान लीजिए 1/2 का व्युत्क्रम पूछा, तो 2/1, ये होता है व्युत्क्रम। अब देखते हैं सवाल किस टाइप पूछता है। अगर आप इसका पहला सवाल ले सकते हैं, दिया है -4/3 और कहा है इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो हमें बटे में कर देते हैं। अगर बटे में है तो उसे सही कर देते हैं, अगर सही में है तो बटे में कर देते हैं। अब इसे हमें करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे हम 1/-3 कर देंगे। ये हो गया, ये इसका पूरा मान हो गया, ये व्युत्क्रम में बदल गया। अब इसकी घात हो आग ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर हम इसके पे ऊपर घात करेंगे तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस तरह करेंगे तब भी एकदम ये सेम रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब घातांक के नियम से पता, अगर दोनों संख्या ऊपर नीचे घात है तो हम इसे 1 बार लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं। और आप अगर ए ऊपर -1/4 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ये देख सकते हैं कितना आसान और इजी है। अब देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर बटे में दिया है तो क्या करेंगे। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है -3/7^15। इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा प्रोसेस आपको ऊपर नीचे चेंज कर देना है। -3/15 7/15 पहले इस तरह करके फिर बदल देते हैं, ये हो गया। इसे अगर हम ऊपर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3^15 और चिन्ह लगेगा माइनस का, ये इसका मान हो गया। अब चलिए देखते हैं नॉर्मल संख्या का। आप इसे चाहें तो पूरा हल भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं। अगर खाली घातांक का मान पूछा है तो आप मान ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं 2/4 है और इसका घातांक की मान ज्ञात करना, अरबी उत्क्रम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 4। आप इसे चाहे तो पूरा क्लियर हल कर सकते हैं। 2 गुणे 2 अब मैं पूरा हल कर लूँगा, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, ये उसका हो गया व्युत्क्रम, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद होगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, और ये जो है इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।